Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again we are here with another podcast. आज की जो podcast है इसका जो topic है वो 14th of August independence है. As we all know that is 76th anniversary of Pakistan. और सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान जैसी सरजमीन हमें अता करी और जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हर तरह के जो आमीन जो बाकी दुनिया तसव्वुर करती है कि उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर वो टूरिज्म से रिलेटेड हो या फिर मादनियात से रिलेटेड हो या फिर कोई और चीज़ हो. जैसे पाकिस्तान के अंदर हिली एरिया भी है, पाकिस्तान के अंदर पोर्ट भी है, पाकिस्तान के अंदर गर्म समंदर भी है. सो पाकिस्तान के अंदर सोना भी है, चांदी भी है, पाकिस्तान में हीरे भी हैं, पाकिस्तान में कोल भी अच्छी क्वालिटी का है, पाकिस्तान में आपके पत्थर भी हैं जो किसी दुनिया में नहीं मिलते, पाकिस्तान में वो मार्बल है जो कहीं और नहीं मिलता, सीमेंट बनाने के लिए जो जिप्सम होता है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है, वो कहीं नहीं मिलता. आप और बताएं मुझे क्या सही है आपको, और तुम अपने रब की अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत है. सो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज जो है हमारे साथ जो है वो बेसिकली मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ जो मेरे आज के दोस्त मौजूद हैं ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट फील्ड से हैं और डिफरेंट कोर्सेज से हैं और सबको अलग अलग टाइमिंग हो गई है यहाँ पे. और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करते हैं फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास मोस्ट सीनियर पर्सन PhD डॉक्टर सिद्रा. स्कॉलरशिप मिली और मैं जो हूँ यहाँ पे इस वक्त PhD कर रही हूँ और मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो ये मेरा तीसरा साल है. इंटरप्ट यू, आप PhD किस चीज़ में कर रहे हैं सोच? हाँ, मैं PhD बेसिकली मैं फार्मेसी प्रैक्टिस में कर रही हूँ, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस में, जो कि मेरा जो टॉपिक है जो PhD का रिलेटेड वो उसी से रिलेटेड है, जो उसकी एक स्पेशलिटी है एंटीमाइक्रोबियल स्टीवरशिप एक्टिविटीज, तो हमें उसके हवाले से. ओके, जज़ाक अल्लाह. व्हाट आर यू ताहा भाई? मेरा नाम जो है ताहा है, मैं इधर 2020 में आया था जनवरी सेशन में. मेरी डिग्री जो थी मैंने मार्केटिंग में की है. मेरी डिग्री जो है 22 में ख़त्म हो गई थी क्योंकि मेरी डिग्री 2.5 ईयर की थी, क्योंकि मेरा पहला साल जो था वो 8 महीने का था. तो उसके बाद जो है मैंने इलेक्शन रन किया था. यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन होती है हर यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके अंदर जो है स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लीड करते हैं पॉलिसीज़ चेंज करने के लिए या स्टूडेंट्स इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ. तो मैंने इस यूनियन का इलेक्शन रन किया था 2022 में, और वो इलेक्शन जो है मैं जीत गया था, तो मैं क्वालिटीज़ ऑफिसर बन गया था तब. और उसके बाद मैंने रीरन किया इस साल और अब मैं जो हूँ स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट. दिस इज़ इवन ऑनर फॉर अस के एक जो प्रेसिडेंट जो है हमारे पास एक यंग और पाकिस्तानी लड़का है. और आप पीछे से आपका ताल्लुक कहाँ से है? पीछे से मेरा ताल्लुक जो है वो रहीम यार खान से है. रहीम यार खान जो है वो साउथ पंजाब, जिसे लोअर पंजाब भी कुछ लोग कहते हैं, बिल्कुल सिंध के बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है. सो यानी ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये मैटर ये करता है कि आप एम क्या रखते हैं, आप पहुँचना कहाँ चाहते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. जस्ट ओबे योर गोल्स. बिल्कुल, थैंक यू. एंड स्टे ओरिएंटेड विद दोस वन. इंशाल्लाह. जज़ाकअल्लाह खैर. ओवर टू यू नजीब भाई. मेरा नाम नजीब जमाल है. मैंने 2019 में NED से जो है वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की है, बैचलर्स किया था. उसके बाद तकरीबन 4 साल मैंने काम किया वहाँ पे पाकिस्तान में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में. फिर मैं यहाँ पे आया हूँ और मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में ही मैं आया हूँ. जब मैं ले रहा था मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि भाई दिल्ली भर अभी इंजीनियरिंग से और ऑटोमोटिव से खास तौर पर, क्योंकि फील्ड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें और बिल्कुल नैरो हो जाती है जाके जी. तो बट ये कि मुझे मज़ा आता है ऑटोमोटिव में, तो दैट्स व्हाई आई केम हियर. लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो अब तकरीबन साल होने को है. अगर हम कंक्लूड करें तो आपको 1 साल हो गया है, आपको तकरीबन 3 साल हो गया है, और आपको भी 3 साल तकरीबन 4 साल हो रहे हैं जाएंगे और मौसम भी. ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है कि बेसिकली हम लोग सब मुल्क से बाहर हैं और हमारी जो पहले 14 अगस्त होती थी वो पाकिस्तान में होती थी, तो वहाँ पे तो एक अलग ही मंजर होता था और यहाँ पे एक अलग ही मंजर है. सो
हम लोग सब अपने कहते हैं ओपिनियन और थॉट शेयर करते हैं कि हम पाकिस्तान में होते थे तो कैसे सेलिब्रेट करते थे और यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस 14 अगस्त के मौके को. सो पहले आप लोग बता दें फिर मैं शेयर करूँ. अगर आप मेरी बात करें तो डेफिनेटली क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में या अपने स्कूल लाइफ में मैं हमेशा लीड करती रही हूँ तो डेफिनेटली मैं हमेशा इन्वॉल्व रही हूँ हर तरह की इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जहाँ पे हम अपना 14 अगस्त की सेलिब्रेशन करते हैं या जश्न आज़ादी को हम मनाते हैं. तो डेफिनेटली उधर का एक डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस है. फिर उसके बाद जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट किया है 15 ईयर्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एक्सपीरियंस फ्रॉम पाकिस्तान तो डेफिनेटली हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको सेलिब्रेट करती थी और मैं अपने डिपार्टमेंट को और अपने साथ जो मेरे वार्ड होता था ऑन्कोलॉजी वार्ड तो मैं उसको लीड करती थी कि हम उसकी सारी जो भी सेलिब्रेशन है हमें किस तरह से क्या चीज़ें बनानी हैं लगानी हैं उसकी डेकोरेशन डेकोर करना है हमने लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना है. फिर उसके बाद जो यूजुअली हमें पता है सब जगह केक कटिंग जो है वो सेरेमनी होती है हम 2 दफ़ा करते थे क्योंकि जाहिर सी बात है यूजुअली ज़्यादा तक उसको छुट्टी होती है तो आई यूज़ टू गो ऑन द 14th of August कि भाई मेरा डिपार्टमेंट जो है डेफिनेटली 24/7 खुला हुआ है तो मैं अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि ताकि ठीक है हम ये हमारी छुट्टी है बट वी हैव टू बी मोटिवेट आवर पीपल तो वी हैव टू बी वर्क ऑन इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे का मतलब ये नहीं है कि हम जो है घर में बैठ के उसको बनाएं. मेरे ख्याल में हम बाहर निकलें हम काम करें और हम ये साबित करें कि हम क्या हैं क्योंकि हम वो कौम है जिसके अंदर हर तरह की एबिलिटी है और बींग अ पाकिस्तानी आई एम वेरी प्राउड कि हम वो एक मुस्लिम कौम है जिसके पास एटम बम भी है तो वी आर द मोस्ट पावरफुल एज वेल मगर हमें अपनी स्ट्रेंथ खुद नहीं पता. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करूँगी जहाँ पे मैं काम करती थी जो मेरे डायरेक्टर हैं वो हमेशा एक बात कहते थे लीडर ऑफ पाकिस्तान डोंट नो द पीपल ऑफ पाकिस्तान. तो दिस इज़ वेरी ट्रू हमारी जो यंग जनरेशन है हमारे जो यंग लोग हैं उनके अंदर जो एंथुसियाज्म है वो बड़ा वो है तो अगर इन कंपैरिजन उसके हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली इस वक्त मैं जैसे हम कहना चाहिए दियार गैर में या आई एम इन द यूके एट द मोमेंट तो उधर हूँ तो डेफिनेटली हम वो तरह की सेलिब्रेशन नहीं करते. फिर जाहिर सी बात है इन दोनों जो जो कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है या एजुकेशन सिस्टम है इन दोनों यहाँ पे समर ब्रेक्स होती हैं तो डेफिनेटली ज़्यादातर स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होता है ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट होता है जो कि जा चुका होता है छुट्टियों पे अपने घरों पे तो हम लोग इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते इसके वजह से. बट क्योंकि मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ तो डेफिनेटली अब मुझे ये पता है कि अगर यूनिवर्सिटी कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर पाती डेफिनेटली लैक ऑफ द स्टूडेंट्स या हम लोगों की सोसाइटी के लोग सकर नहीं मौजूद हैं मगर इसके बावजूद जो कम्युनिटी है हमारे अरीब करीब की वो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है कुछ फ्री में भी करते हैं जहाँ पे लोग गैदर होते हैं जहाँ पे डिफरेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी बिकॉज दिस इज मोर प्रिवलेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी इधर हडर्सफील्ड में तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं बट स्टूडेंट अवेयर नहीं है उनको कि जो स्टूडेंट यहाँ पे अकेले हैं जैसे स्पेशली जो रिसर्चर्स हैं तो they have to be here. तो डेफिनेटली अगर वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो इधर वो सब चीज़ें हैं मौजूद बट हाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप देखा जाए तो डेफिनेटली इसमें यूनिवर्सिटी का भी कोई कसूर नहीं है किसी का भी कसूर नहीं है बिकॉज दिस इज द ब्रेक तो वी आर देयर डिडंट डिफाइन दैट. हाँ तो 23rd of March को ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं बट सिंस द पेंडेमिक इट वॉज नॉट हैपनिंग तो डेफिनेटली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ विद इन द यूनिवर्सिटी इस तरह के किसी भी अपने पाकिस्तानी इवेंट को सेलिब्रेट करने का. तो हाँ वो मुझे थोड़ा सा लगता है कभी कभी के बट आई यूज टू वेयर लाइक झंडा कि भाई हाँ मैं पाकिस्तानी ड्रेस पहन कर आऊँ या वाइट कलर जैसे पाकिस्तान में रेडी होना चाहिए. आई यूज टू डू दिस सिंस आई एम हियर मतलब आई कीप डूइंग दिस सिंस लास्ट 4 इयर्स. आई थिंक इट्स ऑल अप टू अस बिकॉज अगर मुझे कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी चाहिए तो मुझे खुद वो एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा. मैं क्यों लोगों पर डिपेंड करूँ मुझे वो एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा. एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट के आई डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल ठीक है बट आई वांट टू रिप्रेजेंट हु एम आई. आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. तो ठीक है मैं अगर कुछ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट मैं अपने कल्चर को तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू डू दैट. सो ओवर टू यू ताहा भाई. आपका सवाल था कि वहाँ पे कैसे करता था और इसके बाद यहाँ पे आके कैसे है. तो वहाँ का जो है वहाँ का ऐसे है कि छोटे होते से जाहिर बात है हर कोई उधर हम बड़े पेट्रियाटिक होते हैं पाकिस्तानी वैसे भी और उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं. और ये उम्र तो ऐसी खून ज्यादा ही जोश मारता है. हाँ वाकई ऐसा ही है खून ज्यादा जोश मारता है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. तो उस टाइम ये होता था कि घर में छोटे होते से झंडे लगाना और झंडियाँ लगाना उसके बाद जो है जाके आप बाहर दोस्तों से मिलते हैं आप बाहर जाते हैं तो लोग गैदर हुए हुए होते हैं फंक्शन हो रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को उधर इंजॉय करते हैं और आपको उसमें एक फीलिंग जो है वो फीलिंग सबकी बराबर की होती है उस वक्त पे क्योंकि एक पूरा मुल्क एक चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है.
आई थिंक ये एक चीज़ ऐसी है जो इधर जब आप आते हैं तो आपको थोड़ी मुख्तलिफ महसूस होती है, क्योंकि हाँ आपके लोग हैं इधर काफ़ी सारे, लेकिन उसके बावजूद इधर हर नेशनैलिटी का बंदा है। वो जज्बा नहीं मिलता, वो आपको वैसे मतलब आप जब वो अपने लैंड में नहीं होते तो आपको उस तरीके से बाकी पेट्रियाटिक फीलिंग जो एक आती है नहीं आती, क्योंकि इर्द गिर्द लोग अलग अलग चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ और मुझे लगता है हर पाकिस्तानी महसूस करता होगा वो ये है कि जब आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो आपकी पहचान जो होता है वो फिर भी आपका मुल्क ही होता है, तो आप एक तरह से जो होते हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे आप अभी बात कर रही थी तो आप हैं एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, हर बंदा एम्बेसडर है पाकिस्तान का, यानी जो लोग इधर रह रहे हैं वो पाकिस्तान को सिर्फ उस हद तक जानते हैं जिस हद तक आप उनको बता रहे हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान वो है जो आप हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर उस तरीके से सेलिब्रेट एक दिन पे नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरे ख्याल से साल में 365 दिन में हर एक चीज जो आप कर रहे होते हैं वो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने करीब रखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, बेशक मेरे में खामियाँ हैं लेकिन मैं इस चीज़ को बेहतर करूँ कि मैं हर रोज़मर्रा के कामों में कैसे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो वो एक चीज़ आज़ादी है, आज़ादी ये बताने की, आज़ादी ये बोलने की इस मुल्क में कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। बहुत ज़बरदस्त। मैं एक बात बताता चलूँ, ताहा भाई इस वक्त जो है यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट यूनियन के भी, और ये जो इन्होंने बात कही है कि इजहार राय का ख्याल, ये बहुत बड़ी बात है और आई थिंक इस पर हमें गौर फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए आपको दूसरी पॉडकास्ट की ज़रूरत है। इस पे ओवर टू यू नजीब भाई। यार अगर वैसे देखें तो बड़ा मिक्स एंड मैच के साथ रहा है मेरा, क्योंकि स्कूल ये पहले मदरसे में थे तो मदरसे का एक अलग होता था, वहाँ मिलाद वगैरह हो जाते थे। फिर स्कूल में आए तो स्कूल में तो सब में साइड पे करते थे कि हम नारों में बहुत तेज थे, नारे बड़े लगाते थे हम खासतौर पर 14 अगस्त के फंक्शन में। तो फिर कॉलेज लाइफ आपको पता है पाकिस्तान की, खासतौर पर कराची की कैसे चलती है, तो उसमें कोई खास नहीं। हाँ लेकिन यूनिवर्सिटी में ही होता था कि फर्स्ट जो हमारी 14 अगस्त थी उसमें हमने किया था, ऑटो शो किया था, उसमें हमने गाड़ियाँ मंगवाई थी, उसमें हमने पूरा बड़ा कराची का ऑटो शो तो वैसे ही बहुत मशहूर है। हाँ वो भी ज़्यादा ही मशहूर है, जो भी उस ऑटो शो को जानता है वो मुझे ज़रूर जानता होगा। तो इसलिए नहीं कि मैंने उसमें काम किया था, उसकी वजूहत खैर दूसरी थी। तो खैर अच्छा रहता था वो। फिर ऑफिस लाइफ में आपको पता है कि इतना कोई खास होता नहीं है, उसमें ही होता है कि एक घंटा निकाल लेते हैं, उसमें सब खड़े जाते हैं, नेशनल एंथम चल रहा होता है, सब दिल पे आकर के खड़े होते हैं। हम तो पढ़ दिया करते थे, आज भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आता है, इसी वजह से ही आता है क्योंकि भाई दिल से मानते हैं। और जो इतनी चीज़ें मुझे पता हैं, क्योंकि मैं रहा हूँ पैट्रियाटिक, रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं हालात देख के आया हूँ अंदर तक, वो बहुत दुखाने वाले हैं, दिल दुखाने वाले हैं। लेकिन अभी भी अगर कोई मुझसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा ना तो वो मेरे मुंह से मुंह की खाएगा, क्योंकि हमने जितने लोगों के साथ एहसानात किए हैं ना उतना किसी ने नहीं किए। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो सबके साथ करता है, वो भुगतता है, फिर भुगतता है, वो सिर्फ खाने के लिए है, मतलब जूते खाने के लिए। तो वो भी हमारी अपनी नाहली है कि हमने हुक्मरान ऐसे सेलेक्ट किए हैं, लेकिन गलती हुक्मरानों की भी नहीं है, गलती आती है रियाया की तरफ से, जैसी रियाया होती है वैसे हुक्मरान होते हैं, ये तो हदीस है। तो ज़ाहिर है गलती हमारी अपनी है, हम खुद नहीं खड़े होते अपने मसाइल के लिए, तो जब हम खुद नहीं खड़े होते तो ज़ाहिर है दूसरा तो फ़ायदा उठाएगा ना भाई, यही है हमारा हल। सही। मैं एक बात कंक्लूड करना चाहूँगी सिर्फ इस वाले क्वेश्चन के ऊपर कि डेफिनेटली अब हम लोग अपने मुल्क में नहीं हैं, बाहर हैं, तो आई लिटरली मिस दैट। तो मुझे शेर एकदम याद आया कि खो के नदा से कोई पाता नहीं, गया वक्त फिर आता नहीं। तो आप जहाँ पे भी हैं, अपने मुल्क में हैं, जिस जगह पे भी हैं, तो प्लीज अब अपनी आज़ादी को एंजॉय करें, आप अपने उस लम्हे को एंजॉय करें जिसमें आप जी रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो लास्ट ईयर का मेरा जो 14 अगस्त था वो मैंने एक हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में गुजारा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में गुजारा था, जो कि मुझे भी नहीं पता था मैं वहाँ गुजारूंगा, बट छोटे बच्चों के बीच में गुजारा था, उन बच्चों के बीच में जिनके पास खाने के पैसे नहीं, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरी टीम ने, हम लोग सब ने मिलकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा उन लोगों के साथ, हम लोगों ने पूरा दिन गुजारा वहाँ पे। सो वी जस्ट फील अ लिटिल मोमेंट्स, और उनके फेस पर हम लोगों ने खुशी लाने की कोशिश करी, तो वो एक मोमेंट था। और आज की 14 अगस्त से जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सूखी सूखी सी है, लेकिन जैसे ताहा भाई ने कहा कि
एक दिन 14 अगस्त नहीं है, एक दिन आज़ादी का नहीं है, हर दिन आज़ादी का। और हमारे हर एक्शन और हमारा हर वर्ड ये बताएगा कि वी आर द पाकिस्तानी। सो हम जो चीज़ आगे कन्वे करेंगे, जो चीज़ हम पोर्ट्रे करेंगे, डेथ विल गोना कॉल कि हम पाकिस्तानी हैं। सो वी हैव टू बी गुड इन दोज वन। सो जज़ाकअल्लाह खैर आपके इन जवाबात का। आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वो क्या वजह थी जो आपको यहाँ पे लेकर आई, एक चीज़ तो ये, ठीक है। फिर आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद, आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद, आप पाकिस्तान को उससे क्या रेफर बैक करते हैं? मैं यहाँ पर आई हूँ 2019 में, तो उससे पहले मेरे कुछ अपने हेल्थ इश्यूज थे, तो डेफिनेटली मैं आई वाज गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट समथिंग, तो एज अ स्केप फिनोमेना टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं यहाँ पर आई मास्टर्स करने के लिए जस्ट फॉर अ ईयर, ठीक है, जस्ट नीड अ ब्रेक कि मुझे अपने के स्पेस चाहिए। बट आई रियली एंजॉयड माई मास्टर्स प्रोग्राम, बट सडनली यू नो पेंडेमिक इज हैपन्ड इन 2020, तो मेरा 19 और 20 वाला ग्रुप मतलब सेशन था एकेडमिक जो हम यहाँ पे कहते हैं, बट स्टिल आई एंजॉय दैट। और वो दैट आई गॉट अ डिस्टिंक्शन चूँकि मैंने पहले ही मैं आप लोगों को बताया, तो उसके बाद फिर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप की ऑफर हुई, हालांकि मैं वापस चली गई थी अपना सबमिशन कराने के बाद प्रोजेक्ट, तो इधर से मुझे बार बार मेरे जो लोग थे, जो सुपरवाइजर थे, उनको ये था कि नहीं कि मतलब आई हैव टू बी, आई हैव दिस एबिलिटी, तो आई ट्रस्टेड डेफिनेटली ऑन हिम। और फिर मैं वापस आई और आके जो डेफिनेटली, और मैंने मेरी फील्ड से रिलेटेड तब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऐसा नहीं है कि मैंने पीएचडी ऐसी कर ली है या इस तरह से मुझे मतलब स्कॉलरशिप मिली तो मैंने ले ली, बट या मेरा अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेटली आई एम एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल पर्सन, तो मुझे सब सोच समझ के डिसीजन लेना था कि ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें छोड़ कर आनी है, अपना घर छोड़ कर आना है, मुझे अपने कम्फर्ट जोन से निकलना है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि पढ़ाई के होते हैं, इसके अलावा मे बी आई गॉट अ चांस कि मैं किस तरह से यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम से, बिकॉज मैं जिस फील्ड से रिलेटेड हूँ फार्मेसी से, हेल्थ केयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो हम किस तरह से उसको इनकॉपरेट कर सकते हैं अपने कंट्री में। तो जब मैंने अपना मास्टर्स ही किया था तो हमने हमारी प्लेसमेंट थी हॉस्पिटल में, तो मैं जो जो छोटी थोड़ी बहुत चीज़ें जो यहाँ से मैं ग्रैप्स कर सकती थी, आई ट्राई टू मतलब इम्प्लीमेंट इन माई हॉस्पिटल वेयर आई यूज टू वर्क, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर देम डेफिनेटली इज अनफॉर्चुनेटली फॉर मी माइट बी अनफॉर्चुनेटली कि मुझे पीएचडी का ऑफर हुआ और मैं यहाँ पे फिर विद इन 4-5-6 मंथ्स के अंदर मैं जो यहाँ पे वापस आ गई। तो डेफिनेटली आने के बावजूद भी आई एम कीप इन टच विद माई ओन प्रोफेशन, हमारी अपनी एक फार्मेसी की जो है वो एक इंडिपेंडेंट वॉलंटियर बॉडी है जिसे हम कहते हैं गिवन बैक टू पाकिस्तान, सॉरी मैं उनका नाम दे रही हूँ विदाउट देयर परमिशन बिकॉज वी हैव अ ऑफिशियल बॉडी, तो जिसके अंदर दुनिया भर से फार्मासिस्ट जो है उसमें हैं और हम लोग जो है डिफरेंट सेशंस करते हैं, तो मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करती हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग इन द दिस फील्ड या मैं अपने एज अ पीएचडी स्टूडेंट क्या कर रही हूँ। तो वी कीप ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट और या हम अपने जूनियर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हर साल हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, मैं उसमें वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हूँ, डिफरेंट सेशंस करती हूँ विद इन द ईयर। तो ये सब चीज़ें मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो आई एम जस्ट बिग कट ऑफ विद माई ओन प्रोफेशनल या मैं अपने लोगों के साथ, बट आई लिटरली ट्राई टू कीप इन टच विद दैम कि जो लैकिंग हमें मिली हमारी जब हम अपने मुल्क में थे, डेफिनेटली हमारे वहाँ कुछ लैकिंग है हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स में, तो यहाँ पे जो चीज़ें बेहतर हैं तो हम उनको जो गैप है या जो भी चीज़ें हैं हम उसको उस तरह से उन तक पहुँचा सकें, बिकॉज एज अ पाकिस्तानी मैं उसको अपनी और अपने प्रोफेशन के हिसाब से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ टू डिलीवर एंड डेलीकेट दीज थिंग्स टू माई यू नो अपकमिंग जनरेशन, क्योंकि खाली ये हमने तो मर के चले जाना है ना, बट क्या फायदा हुआ मेरी उन डिग्रियों को या क्या फायदा हुआ, क्या फायदा होगा मेरी उन उस काबिलियतों का अगर मैं किसी को भी नहीं एक चीज भी ना समझा सकूं। तो फॉर मी माय अचीवमेंट विल बी कि अगर मैं किसी को एक चीज भी सिखा सकी, एक एक पॉइंट भी समझा सकी कि क्या आप अपनी जिंदगी में या अपने स्पेशली इन हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान यू नो इट्स क्वाइट मेस्ड अप, तो हम उसके अंदर क्या बेहतरी लेकर आ सकते हैं या किसी एक पॉइंट पे कोई क्या खड़े होकर कर सकता है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में हम सबको, हम चाहे वो किसी भी प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, एनी प्रोफेशन, बिकॉज सिर्फ यही दो तीन नहीं है कि लोगों के जहन में कि भाई आपको डॉक्टर इंजीनियर या आपको इस तरह, तो आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप एक मजदूर भी क्यों ना हो, आप एक प्लम्बर भी क्यों ना हो, यू हैव टू बी, आप देखते होंगे कि भाई जो प्लम्बर का बेटा है वो अपने बच्चों को भी सिखा रहा होता है, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द अदर पीपल। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर ये चेंज नहीं चलेगी, तो डेफिनेटली चीजों में रुकावट आ जाएगी।
तो एज ए प्रोफेशनल्स तो हम लोगों को और पढ़े लिखे लोगों के तौर पे हमें इस चीज़ को उजागर करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है मुझे, हमें लिटरेसी के लिए बात करनी चाहिए कि हमारे अंदर अवेयरनेस हो, हम अपने जो के लोगों को हम पढ़ाएं, हम अपनी यूथ को, हमारे लोगों को, हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें कि और फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो आई थिंक एज अ नेशन या हम एज अ जो लोग हम बाहर हैं, तो आई थिंक हम जो भी एजुकेशन सिस्टम से या एकेडमिया से भी रिलेटेड हैं, तो आई थिंक दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स टू कीप इन टच विद दैट एंड प्रोवाइड वट एवर दे नीड. जज़ाकअल्लाह खैर. बहुत आपने जिस तरीके से हर चीज को एलिब्रेट करा है वो बहुत अच्छा तरीका था, और जो एक मैसेज कन्वे करा दैट लिटरेसी के ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और जो डेफिशिएंसीज हैं हमें उसके ऊपर एक बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग की जरूरत है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी स्टडीज है, उसके सामने रखते हुए. मतलब सॉरी टू कट यू अगेन, कि आजादी का खाली मतलब ये नहीं कि हमें हर साल 14 अगस्त को आजादी के तौर पे मनाऊं. आजादी का मतलब ये है कि मेरा हर आने वाला बच्चा या मेरे कौम का हर बच्चा अपनी उस आजादी को उस तरह से समझे कि उसको आजादी है, उसको हक हासिल है कि वो अच्छी तालीम हासिल करे, वो अच्छी तरबियत हासिल करे, और उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, एक सेहतमंद, ताकि. और जो हमारे वहाँ जो है ना, आप कहना चाहिए, सॉरी मैं बाबर हेल्थ, क्योंकि मैं हेल्थ केयर सिस्टम से ही रिलेटेड हूँ, तो मैं इस बात पे कि लोगों को आसानी हो कि वो उनको हर तरह के हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं, बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इन आर कंट्री. तो उस सब चीज़ों पर अगर हम फोकस करें और हम उसको एलैबोरेट करें और उस पर कुछ काम करना चाहें, तो वी हैव अ ह्यूज रूम टू फॉर अ इम्प्रूवमेंट. इस पर हमें ही काम करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह हम ही लोग काम करेंगे इसके ऊपर. आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. अच्छा, मैं एक चीज इधर ऐड करना चाहूंगा इस पॉइंट में. बहुत खूबसूरत बात की है इन्होंने, लेकिन मुझे जो थोड़ी सी एक और चीज भी साथ महसूस होती है वो ये है कि हम आप जैसे कह रहे थे ना, तो हम लोग जो हैं, बतौर पाकिस्तानी मैं ये चीज कह रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी में कई चीजों को कई रोल्स को छोटा समझा जाता है और कई को बड़ा समझा जाता है. हम डिफ्रेंशिएट करते हैं चीजों में. तो मुझे एग्जैक्ट लाइन तो नहीं याद, लेकिन उसका थोड़ा सा मीनिंग यही था. मोहम्मद अली ने कहा था कि अगर मैं बेस्ट बॉक्सर दुनिया में ना होता तो शायद मैं बेस्ट, मुझे ये रोल नहीं याद लेकिन शायद कहा था कि मैं बेस्ट क्लीनर होता. तो उनका कहने का मकसद बेसिकली ये था कि मैं जो भी काम करता मैं उसमें बेहतरीन होता. तो कोई भी काम जो होता है सबसे पहले छोटा बड़ा नहीं होता, और हमारी कौम की तरक्की की एक ये बहुत बड़ी वजह बन सकती है कि अगर हम हर काम जो करते हैं और हम हर ओहदा जो हमारे पास है शुरू कर दें. बिल्कुल, एक ऑनेस्टी. आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप क्लीनर है, जेनिटोरियल स्टाफ में हैं, चाहे आप क्लर्कल स्टाफ में, एक तो ऑनेस्टी, और दूसरी सी बात ये है कि हम अगर जो सीनियर लोग हैं हम उनको वो रिस्पेक्ट भी दें, क्योंकि अगर कोई जेनिटोरियल स्टाफ पे है या कोई स्वीपर है तो दिस इज नॉट हिज और हर चॉइस. डेफिनेटली अगर चाहूंगी तो मेरी भी ख्वाहिश होती कि यार मैं तो किसी रॉयल फैमिली में पैदा होती. तो हम जहाँ पैदा होते हैं बाई चॉइस नहीं होते हैं, वो बाय फॉर्चून होते हैं. तो हमें एक दूसरे के जो जो काम कर रहा है हमें उसको इज्जत देनी चाहिए, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो आपके घर की मासी क्यों ना हो. मतलब हमें जब तक हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो डेफिनेटली टू वे ट्रैफिक. तो हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो ये तभी आएगी जब हमारे पास तालीम होगी, जब हमारे पास अवेयरनेस आएगी. और अवेयरनेस कैसे आएगी? इल्म से. अगर इल्म वैसे भी हम कहते हैं ना वर्से एमबीआ है, तो अगर हम इल्म ही नहीं देंगे लोगों को, हमारे वहाँ मेरी अम्मी बहुत अच्छी एक बात कहती हैं कि लोगों की दुनिया भर में इल्म आम हो रही है और हमारे वहाँ तालीम जो है वो खास हो रही है, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता. तो हमें एजुकेशन को फ्री करना चाहिए कि हमारे वहाँ हर छोटा बड़ा बंदा, मतलब इट हैज़ बी इक्वल विद इक्वालिटी. तो अगर इस पे लोग काम करना शुरू करें, और इस आज़ादी के जो हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और मैं देखती हूँ बहुत सारे इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, अगर वही इस काम को थोड़ा सा प्रमोट करें तो मेरे ख्याल में वी विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. मेरे ख्याल से जो अब बात है ना जरूरी, वो ये है कि आज़ादी सिर्फ जमीन की है, रकबे की आज़ादी जरूरी नहीं है, आज़ादी सोच की बहुत जरूरी है. ज़हनी आज़ादी और जब आप इल्म हासिल करते हैं तो आप में सब्र आता है, जब आप में सब्र आता है तो फिर आपको ये समझ आती है कि आपने मसाइल को हल कैसे करना है. आप उन पे बजाय फ्रस्ट्रेट होने के आप उनके सोल्यूशन ढूंढते हैं.
तो मेरे ख्याल से ये एक मेरा मैसेज है सबके लिए जो सुन रहे हैं, थोड़ा सा रुक के चीज़ों को सोचें, थोड़ा सा रुक के चीज़ों को सोच के साथ लेके चलें। बिल्कुल सही नजीब भाई होते हैं। अच्छा आपका सवाल मेरे ख्याल में ये था कि हम यहाँ क्यों इसलिए आए, ये था। तो मेरा तो एक यही था कि मतलब एक बाहर से डिग्री लेनी है, पहले ये था कि वापस जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को सर्व करेंगे, लेकिन अभी ये है कि वापस जाने से बेहतर है पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया जाए। यहाँ सीख तो लिया, लर्न तो कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये वो है कि कोई चीज़ लिखी हुई तो है लेकिन उसको करना कैसे ये नहीं पता, तो ये वाली चीज़ है। तो अभी इंशाल्लाह ये है कि थोड़ा सा यहाँ एक्सपीरियंस लेंगे। कि पत्थर तो निकल गया, तराशने की ज़रूरत है। तो अभी इल्म इल्म कह लें आप उसको या नॉलेज कह लें इसको, ये तो आ गई है, इसका फ़न नहीं आया है। इसका फ़न जो है अभी हासिल करना बाकी है, तो इसके फ़न को हासिल करने के बाद फिर सोचेंगे कि किस तरफ मूव करना है। क्योंकि देखो यार, अपना मुल्क अपना ही होता है, अपनी अपने मुल्क में जो आज़ादी है ना वो कहीं नहीं मिल सकती आपको। और जितनी आरामदेही चीज़ें हमें मिल जाती हैं ना पाकिस्तान में, उसका हमने कभी शुक्र अदा नहीं किया। यहाँ पे हमें वो चीज़ें इस तरह से नहीं मिल सकती हैं। आप यहाँ पे पानी लेके दिखा दें फ्री में, नहीं मिलता आपको। हर होटल पे पानी जो है वो ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होता है, उसकी हमें कदर नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको जाने देता है कोई भी, मतलब आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो आपको जाने देगा, कोई मसला नहीं है, बैठा देगा। मेजॉरिटी केसेस में होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता। तो बहुत सी चीज़ें हैं, और इल्म जो है ना, जो मैं समझता हूँ मेरे उसमें थोड़ी नाकिस अकल में, वो है इल्म असल मजहबी इल्म है जो आ चुका। अब जो हम हासिल कर रहे हैं वो फ़नून की तरफ है, लेकिन उन फ़नून में भी हमें उबूरियत हासिल करनी चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तानी हमने जो है शॉर्टकट्स ढूंढ लिए हैं कि भाई पास हो जाओ किसी तरीके से, बस नंबर ले आओ और काम पे लग जाओ, चाहे वो काम आता हो या नहीं आता। उसकी वजह से हम क्या हो गए, हम लिमिटेड हो गए, हम सिर्फ लकीर के फ़कीर हो गए। ये चीज़ ऐसे है तो ये चीज़ ऐसी ही आएगी। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं है, इसी वजह से नहीं है क्योंकि हम लकीर के फ़कीर बन गए। हमारे अबाउजदाद ने, अगर आप अबाउजदाद से मीन्स ये है कि जो फ़नून के माहिर थे हमारे, अलजबरा के माहिर थे, वो कौन थे, मुसलमान थे, पाकिस्तानी नहीं थे, मुसलमान थे। लेकिन उन्होंने एक इल्म दिया और लेके दुनिया को दिया, और दुनिया ने उससे फ़ायदा उठाया, और हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं उनकी चीज़ों को, रेप्लिका बनाई हुई चीज़ों के साथ मिला के अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्या सिर्फ पास होने के लिए। हम ये सोचते हैं कि अलजबरा कहाँ यूज़ होगी भाई, क्यों यूज़ होगी, क्या करना है, बिल्कुल सही कह रहा है। टीचर को पढ़ा पढ़ा के, बच्चों के हाथ तोड़ तोड़ के जो है वो पढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है, वक्त ज़ाया कर रहा है हमारा भी और अपना भी। आप बेसिकली कहना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहना चाह रहे हैं कि इनोवेशन लोगों के अंदर खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा रहे लोग, सिर्फ चीजों से जान छुड़ा रहे हैं। आई थिंक हर बंदे के अंदर जो है ना ये सलाहियत होती है, बस लेगेसी ये है कि मोटिवेशन नहीं है। अगर उनको कोई मोरल सपोर्ट और मोटिवेशन दे देना, तो मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट बहुत देखा, और हर बच्चा कुछ करना चाहता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, मेरी सोच में बहुत कुछ है। मेरे साथ आप लोग बैठे हैं, आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, हर बंदा चाहता है बहुत कुछ है, बट वो एक ग्राउंड चाहता है जहां पे उसको स्पेस मिल जाए, और पीछे कोई ऐसा बंदा उसके साथ खड़ा हो जो बोले कि यार तुम आप आगे बढ़ो, मैं खड़ा हूँ। अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इंडीड वी नीड दैट सपोर्ट। और जब वो सपोर्ट होता है तो हम मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं कि यार मैं अगर गिरूंगा भी ना किसी पॉइंट पे, तो वो शख्स मेरे साथ खड़ा हुआ है। फिर वो एक टीचर की सूरत में हो सकता है, एक पेरेंट की सूरत में हो सकता है, एक अच्छे दोस्त की सूरत में हो सकता है, एक मेंटोर की सूरत में हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। बट हमें कोई ना कोई चाहिए होता है लाइफ के किसी भी पार्ट के अंदर, आपके पास एक लाइफ लाइन होना हमेशा जरूरी है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बुरी चीज ये हो गई है, हम लेग पुलिंग में लग गए हैं। एक ऊपर जाता है दूसरा उसको खींच के कहता है यार तू ही नहीं हो पाएगा, तो उससे ये कहता है कि हम लोग जो है वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, आगे जाने की तरफ। मेरे ख्याल से एक और चीज जो है, सॉरी मैं आप अगले सवाल की तरफ देख रहे थे, वो ये है कि हम हमारे लोग जो है ना, हमारे लोग, हम मैं जब खुद भी इधर आया था और मैं काफी सारे लोगों में और भी ऑब्जर्व किए है चीज, हम लोगों में टैलेंट है लेकिन हम कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। और कॉन्फिडेंस जो है, जो मैंने सीखा है 3-4 साल में, कॉन्फिडेंस आप में तब आता है जब आप किसी चीज को करते हैं, ना कि ऐसा नहीं होता कि आप में पहले कॉन्फिडेंस आए और आप फिर चीज को करें। जब आप चीज को करते हैं तो आपको गलती से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती तब तक ठीक है जब तक आप उससे कुछ सीख के उसको तब्दील कर रहे हैं आगे, क्योंकि गलती जिंदगी का हिस्सा है। तो कॉन्फिडेंस सबके अंदर तभी आएगा जब आप
उन चीज़ों में घुसेंगे जिनमें आप घुसना चाहते हैं, उनको करेंगे, उनको महसूस करें, बड़ा ज़रूरी है। मैं तरह की इस बात को तहा की सॉरी बात को सेकंड करूंगी कि गलती करना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, क्योंकि अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा क्या सही है क्या गलत है। और डेफिनेटली जब आप गलती करते हैं तो आप उससे सीखते हैं, लर्न करते जी हैं और आप आगे बढ़ते हैं, तो वो एक आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ अब मैं ये कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो अब मुझे पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है या मेरे कौन सी सही सेंस है। तो मुझे कुछ तहा की सॉरी टू से लाइक मुझे याद आया कि जब हम मैंने तहा की फर्स्ट कैंपेन में इसका साथ दिया तो आई हैव सीन हिम हाउ ही ग्रोथ एज अ कॉन्फिडेंट लेवल, कि आपको पता चला कि किस तरह से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो दैट एवरीबडी हैज दिस एबिलिटीज, तो आपको जो है कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बहुत चाहिए होता है। ठीक है, आपको ये नहीं है कि हमें एक दूसरे की, अगर मुझे कुछ आता है या आपको कुछ आता है तो हम एक दूसरे का साथ दें, अगर ये साथ नहीं देंगे ना तो ये सब बेकार है कि मैं अपनी आजादी बनाऊं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडीड वी हैव टू वर्क ऑन इट। और हम हमें सब एक दूसरे, हाँ, हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होना है। और सीरियसली हर बंदे की लाइफ के कुछ एम्स एंड गोल्स होते हैं, और अगर वो एक पॉजिटिव उसके ऊपर है और वो एक पॉजिटिव चेंज चाहता है चीज़ों के अंदर, लोगों के साथ और अपनी सोसाइटी के अंदर, तो आई थिंक वी हैव टू सपोर्ट दैट। और सबसे पहले तो ये कि हम सब इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इस यौम आज़ादी के मौके पर आप तीनों की तरफ से कोई मैसेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उनके लिए भी जो अपने मुल्कों के अंदर हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं जिनके साथ आप गुजारते थे बट इस वक्त आप यहाँ पे, बट ये है कि दिन हो या रात हो, मुल्क तो मुल्क है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर कोई ये बोले कि यार मैं अपना मुल्क भूल चुका हूँ या मुझे याद नहीं आती, तो मैं कहता हूँ नॉट वो झूठ बोल पॉसिबल। रहा है। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे ख्याल से मेरी तरफ से जो मैसेज होगा वो ये होगा कि खुशी का मौका है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे मुल्क के जैसे हालात हैं अभी, वो हमारी जगह कोई और नहीं बदलेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे, हम जो अभी वाली जनरेशन है इस मुल्क की, अगर हम घबरा जाएंगे, हम नहीं खड़े होंगे उस चीज़ के लिए, तो मेरे ख्याल से कोई और आके हमारे लिए नहीं करेगा। तो ज़रूरी ये है कि हम इधर आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं ख़ास तौर पे, आपने सबसे चीज़ इधर आते ही कर लिया कि आप अपने बबल से बाहर निकले हैं, आप सीखने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उस सीखने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको जाके वापस इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं ना करें। करते, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं इसको एक प्रिविलेज की तरह समझता हूँ कि हमें ये प्रिविलेज है कि हम आज इस मुल्क में बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो शायद काफ़ी सारे लोगों को हमारे मुल्क में इस वक्त जी पे नहीं मिल रही। बिल्कुल सही, लेकिन बिल्कुल जैसे आप बात कर रही थी कि तालीम बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, तो मेरे ख्याल से वो जो शऊर हमें यहाँ से मिल रहा है, वो शऊर वहाँ पे जाके लोगों को बताना कि कैसे चीज़ें हैं, कैसे आप कर सकते हैं, आज़ाद कौमें कैसे एक्ट करती हैं चीज़ों में, और वो कैसे अपने मुल्क से मोहब्बत करती हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी है कि अगर यहाँ पे कोई रोड के ऊपर सिक्का भी पड़ा है ना, और कोई नहीं भी देख रहा, तो भी गुजरते हुए लोग उसे उठाते नहीं हैं यहाँ से। वो उसकी वजह ये है कि शायद किसी और का पड़ा है। आप यूनिवर्सिटी में किसी जगह पे बैग छोड़ दें तो कोई उसको वहाँ से हिलाता नहीं है, अगर किसी को कोई चीज़ मिल जाए तो वो वापस दे के जाता है। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से ये शो करती हैं कि लोग यहाँ के इस मुल्क से किस तरीके से कौमियत एज अ कौमियत, कॉमन कॉम बिल्कुल। आपको शो करती है कि आप किस नेशन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरा यही मैसेज है कि आप जो है एक तो इत्तेहाद में रहें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस होते हैं लेकिन यहाँ पे जब आप हैं तो आप सारे एक ही, आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो जी पाकिस्तान है, बिल्कुल सही, तो एक दूसरे के साथ रहें और मुल्क का सोचें कि आप मुल्क को कैसे वापस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, जिस मुल्क ने आपको छत दी है, जिस मुल्क ने आपको बड़ा किया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ओवर टू यू मिस। हाँ, मैं तहा की बात को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, शायद हमें ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमने क्या दिया। हम ठीक है, हम उधर पैदा हुए, हमने हमें बहुत सारी अच्छा, लिटरली जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे डिफरेंस पता चला कि हमें क्या क्या वहाँ पे आसाइशें हासिल हैं, तो हम खुद क्या कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी या एक कौम की हैसियत से। तो इस चीज़ का बड़ा जो है मेरे ख्याल में हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हमें आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसको एक ये बहुत होता है कि क्या मिल रहा है हमें पाकिस्तान में,
या हम हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो एक दफ़ा ये भी सोचिए कि आप क्या दे रहे हैं अपने मुल्क को, क्या आप लॉयल हैं, क्या आप अपनी जो आप काम कर रहे हैं क्या आप उसी के साथ, सबसे बड़ी बात ये आप क्या खुद अपने साथ लॉयल हैं, जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप एज अ स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हैं, या आप कहीं पे स्वीपर भी हैं, तो क्या आप अपने काम और अपने साथ भी लॉयल हैं। तो मतलब बड़े लेवल की बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ ना, कि वो एक अलग ही चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बंदे को अपनी शनाख्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने आप को शनाख्त कर सकते हैं तो हम एज अ यू नो गैदर अपने आप को गैदर कर जी सकते हैं, फिर हम सारे अपने लोगों को अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, और इसी तरह से कौमें जन्म लेती हैं, इसी तरह से कौमियत का कॉन्सेप्ट आता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने नौजवानों से, डेफिनेटली आई एम अ लिटिल बिट ओल्डर देन एवरीबडी एल्स, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि उठ के बस में जहाँ का कुछ और ही अंदाज है, कि मशरक़ व मगरब में तेरे दौर का आगाज़ है। तो आई एम वेरी जबरदस्त। होपफुल फॉर माई यूथ। व्हाट डू यू नजीब भाई? बस एक सहाबा इकराम से बात साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पड़ोसियों के बारे में इतने हुकूक बयान किए कि लोग उनको शक हो गया कि कहीं विरासत में विरासत हिस्सा ना में हो। सना तो मैं ये कहूँगा कि बस आप अपने पड़ोसियों का ख्याल करना शुरू कर देना तो पाकिस्तान खुद ही बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान ही नहीं, आप खुद भी एक ऐसा नेशन बन के सामने आएंगे, किसी की मजाल नहीं होगी आपको कुछ कर सके। तो हम अभी ये बोलते हैं किसने कर दिया, उसने कर दिया, आप सब छोड़ दें, आप सब पड़ोसियों का ख्याल करना शुरू कर दें, कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, आप जो भी कर रहे हैं ना वो सब छोड़ दें, आप सिर्फ पड़ोसियों का ख्याल करें, आपके सब मामला खुद चीज़ें अल्लाह ताला खुद बेहतर करेगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इंच के हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में जो बंदा है बंदी रह रही है, हालात ठीक है, मामला ठीक है, पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम उसका ख्याल करें। सिर्फ ये पूछ लेना या मुस्कुरा के देखना भी हमारे लिए जो है वो सुन्नत का जी वो जी है। सदका जारी है। हाँ वो तो तो सदका। हम इतना भी करना अगर शुरू कर दें तो हमारे हालात और हम खुद बहुत अच्छे जगह पे पहुंच सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात कही है। ऐसी यौम आज़ादी के मौके पे हम सब ने एक ओथ लेनी है, एक अहद करना है कि हम इस आज़ादी के मौके पे अपने मुल्क के साथ एक अहद करते हैं। तो आपसे स्टार्ट करते हैं। सेहत करा रहे हैं आप? इट्स अ डिफिकल्ट थिंग बट या इट्स अ डिफिकल्ट बट वी थिंग हैव टू रियली। डू, या आई थिंक वी हैव टू बी स्टार्ट विद समथिंग। द थिंग इज के क्योंकि मैंने अगर मैं चाहता हूँ कि इस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आए, इस माहौल में कोई चेंज आए, मुझे अपने आप से स्टार्ट करना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बंदा चेंज हो जाए, वो अगर मैं सही हो जाऊँगा तो सब सही हो बिल्कुल जाएगा, मेरा सही होना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने अभी अभी ही बात की कि मामलात में अगर हम अपनी बेहतरी करें तो मैं वैसे मेरा रहा है, लेकिन ये कि मैं अब कोशिश करूँगा कि इसको मज़ीद बेहतर करूँ और इसको इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे लेके जाऊँ इस इंशाल्लाह। चीज़ को। मेरा है तो अपने आप से एक है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं बेहतर तरीके से अभी तक नहीं कर पा रहा उसे, लेकिन मेरा है तो अपने साथ ये है कि अगर मैं किसी चीज़ तक बतौर पाकिस्तानी पहुँच पा रहा हूँ तो मेरा है खुद से ये है कि मैं कोशिश करूँ कि और लोग, मेरे लोग भी उस चीज़ को हासिल कर सकें, उस चीज़ तक पहुँच सकें। और जो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है किसी भी जगह से, वो एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे तक महदूद ना हो, वो एक्सपीरियंस मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, वो लोग उससे सीख सकें। और मेरे ख्याल से मेरा अपने मुल्क से भी यही याद है कि मैं जब भी वापस जाऊँ अपने मुल्क तो मैं जो यहाँ से सीख के जाऊँ मैं अपने लोगों को कोशिश करूँ कि मैं सिखा सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा सीखे या ज़रूरी नहीं है मैं उतना अच्छा हूँ उस चीज़ में, लेकिन कोशिश बहुत ज़रूरी है। कोशिश ही दिखा देती है। हाँ, मैं तहा की बात को यहाँ पे यही सेकंड करूँगी कि एक इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन अगर की बात की जाए तो हमें खुद से ये लेना होगा कि एज अ पाकिस्तानी मुझे इस बात का प्राउड होना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, सबसे पहली चीज़ ये है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को ये रिकग्निशन देनी है कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, और उसके बाद जो कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है या जो भी मैं कर सकती हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर वो अवेयरनेस पैदा करूँ। या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बात की तालीम के ऊपर, तो मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि हम लोगों को एजुकेट करें, चाहे हमें किसी भी फील्ड में हो या किसी भी उसमें हैं, मतलब आप अपने लेवल पे जिस लेवल पे भी जाके आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो तालीम को आम बनाएं, इस खासियत को ख़त्म करें। तो हाँ, मैं इस लेवल मैं ये चाहती हूँ, और ये मेरा है पॉइंट कि मैं लोगों को और मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे भी जितने लोग हैं उन सबको ये पता है कि जो मुझे आता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन सबके साथ उन सबको भी वो सिखाने की कोशिश करूँ। तो ये मेरा एक हमेशा से रहा है और यही मेरी
एक डिक्लेरेशन आप समझ सकते हैं जो हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन और वो समथिंग लाइक दैट. तो मेरे ख्याल में ये बहुत मेरा अहद अपने मुल्क के साथ और अपने दोस्तों के साथ अपने प्यारों के साथ कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो ये है कि मैं इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं पाकिस्तान से पहले एक इस्लाम का और अपने दीन का एम्बेसडर हूँ. तो मेरी हद तुल इम्कान पूरी कोशिश ये होती है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैं अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करूँ कि सामने वाला मेरे अखलाक मेरे अल्फाज मेरे एक्शन से ये बोले कि यार इफ दिस इज़ द मुस्लिम आई वुड लव टू बी अ मुस्लिम. सो सबसे पहली बात तो ये. इसके बाद दूसरी बात यह है कि इस आज़ादी के मौके पर क्योंकि मेरा यहाँ पर आने का एक मकसद था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहा हूँ और उसी में रहता रहा हूँ तो बहुत हार्ड और क्रूशल था मेरे लिए यहाँ पे आना और इस सब इन्वायरमेंट के अंदर मिक्सअप होना. तो एक बहुत बड़ी एक जंग लड़ रहा हूँ मैं अपने आप से भी. तो ये था कि तो ये है कि मैं जो भी यहाँ पे इल्म हासिल करना है क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो जो मेरा कोर्स है ये बहुत एक्सपेंसिव है. एक तो रेयर कोर्स भी और एक्सपेंसिव भी है. तो मेरी बस कोशिश ये है कि मैं इसकी कहते हैं अच्छी से अच्छी और बेहतरीन तरीके से इसकी तालीम हासिल करूं और जो इसकी ट्रेनिंग है वो हासिल करूं और उसके बाद जो है मैं अपने साथ के अपने दोस्तों को जो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि हर कोई इसकी हर बंदे की इतनी इस्तेदाद नहीं होती कि वो बाहर जाए और वो सारे मामलात को कर सके क्योंकि इतना एक्सपेंसिव और ये सब कुछ. तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इस चीज़ को आगे कन्वे कर सकूं और अच्छे से और बेहतरीन अंदाज में इस पढ़ाई को पाकिस्तान के अंदर लेकर आऊँ और उन लोगों तक ये इस ट्रेनिंग को भी इलाज तो करना ही है साथ साथ जो है जो लोग इसके अंदर ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं उनको कहते हैं अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट और ऐसा हॉस्पिटल बना के दिया जाए जहाँ पे वो बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को इसकी तालीम हासिल करें और इसकी स्किल्स जो है स्किल्स बहुत इसकी सब प्रायोरिटी उसके अंदर स्किल्स हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी स्किल्स वगैरह सब हासिल करें और एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हैसियत से अपने मुल्क के अंदर सर्व करें हेल्थ केयर के अंदर भी और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी. सो अल्लाह ताला हम सब की इन काविशों को कबूल फरमाए और इस आज़ादी के मौके पे मैं अपनी जानिब से अपने दोस्तों की जानिब से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी और जो पाकिस्तान में उनको भी पाकिस्तान की 76th एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. और क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं इनकी तरफ से कोई मैसेज हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए तो सर ओवर टू यू. किससे इससे आप इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जी 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 मेरे ख्याल सबसे पहले तो आज़ादी मुबारक और ऐसे ही आज़ाद रहें हमेशा अल्लाह पाक हमेशा आज़ाद रखें हम आमीन. और मेरा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो ये पैगाम है कि ठीक है हमारी अपनी अपनी नेशनैलिटीज़ हैं हम पैट्रियाटिक हैं और होना भी चाहिए. आपको अपनी आप कहीं भी पहुंच जाएं ज़िंदगी में आपको अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि आपकी पहचान जो होती है आपको जब लोग पहचानते हैं तो हमेशा आपकी रूट से पहचानते हैं. जिस दिन आप उनको छोड़ देते हैं उस दिन मेरे हिसाब से आपकी पहचान की जो है वो मौत हो जाती है. तो अपनी रूट्स को ना भूलें सीखें ज़रूर सीखना ज़रूरी है टेंजिबल रहें. और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इंटरनेशनल हैं तो आप सारे इधर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं बेशक आप अलग अलग मुल्कों से आए हों और इत्तफाक बहुत ज़रूरी है यूनिटी इज़ द की. बिल्कुल सही. और एक दूसरे को सपोर्ट करें एक दूसरे को ऐसा महसूस कराएं कि वो अकेले नहीं हैं. और यूनिवर्सिटी के लिए मेरा पैगाम है कि हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कोशिश करती है लेकिन अगर किसी चीज़ को आप इस वजह से नहीं कर रहे कि आपको मालूम नहीं है उसके बारे में तो मेरे ख्याल से उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उससे रेलेवेंट ग्रुप्स को उससे रेलेवेंट एथनिक ग्रुप्स हों या नेशनैलिटीज़ हों उनको अप्रोच करें और उनसे पूछें कि वो क्या देखना चाहते हैं. और अजम्पशंस बस नहीं होनी चाहिए कि लोग शायद ये स्पेसिफिक चीज़ चाहेंगे जो कि नहीं होती मोस्टली लेकिन इंसान है इंसान से हो भी सकती हैं तो उस पर बस गौर किया जाए मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है. जज़ाकअल्लाह खैर. मैं बस इसको अब कंक्लूड करूँगा इस बात से करता हूँ कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएँ हमारी पास कोई भी पासपोर्ट आ जाए कुछ भी हो जाए एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तानी हम कहीं पर भी हो हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए इंजीनियर लग जाए
मौलवी साहब लग जाए, कुछ भी लग जाए, बट हम लोग एक पाकिस्तानी की हैसियत से जाने जाएंगे। सबसे पहले बात ये होगी, यार ये शख्स है ये पाकिस्तानी है, ना कि डॉक्टर या इंजीनियर। सो इस शेर से इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, तुमको रहना है, तुमको रहना है क़यामत की सहर होने तक। जज़ाकअल्लाह खैर आप लोगों के टाइमिंग के लिए, आपके वक्त के लिए, जो आपने प्रीशियस वर्ड शेयर करे हैं, जो आपने अपना टाइम दिया प्रीशियस, जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबका हाजिर नाजिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे एक दूसरी पॉडकास्ट के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।